नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हां दोस्तों, यूट्यूब के तरफ से शानदार 4 अपडेट आए हैं जो कि हर यूट्यूबर्स के लिए, हर क्रिएटर के लिए बेनिफिट है। वो सुनकर आप भी झूम उठेंगे खुशी के मारे। तो ये अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि आप अगर चैनल चलाते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हमारा हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है वो हम आपको बता दें। पहले जो होता था, एनालाइज में आता था रिसर्च कंटेंट का, एक गाइडलाइन का सर्च आता है जहां पे आप रिसर्च कर सकते थे कि आपके व्यूअर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये चीज। लेकिन अब डेस्कटॉप पे भी दे दिया गया है। अगर आप चैनल्स अपने डेस्कटॉप से चलाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। पहले सिर्फ ये YT स्टूडियो में ही दिया गया था, लेकिन अब डेस्कटॉप पे दे दिया गया है कंटेंट गैप वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कंटेंट के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में कि आप क्या क्या यहाँ पे नई नई आइडिया आते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। दूसरा जो अपडेट है ये भी काफी अच्छा है, ये है टॉप कम्युनिटी क्लिप का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। इस अपडेट में आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, जैसे आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर बनाते हैं, सेम चीज वही है, प्लेलिस्ट नहीं है बट कोई भी अगर आपका चैनल खोलता है तो वहां पे सर्च करना पड़ता है कि पॉपुलर कौन सा है, आपका पॉपुलर वीडियो कितना है, सबसे टॉप व्यूअर्स वाला वीडियो कहाँ है। तो ये आप सेट कर सकते हैं। आप जाइएगा नीचे फीचर में, सेटिंग में, तो वहां पे जिस तरह से आप कम्युनिटी गाइडलाइन का डिवाइडेशन करते हैं, वहां पे आप कम्युनिटी क्लिप का भी एक ऑप्शन है उसको ऑन कर दीजिएगा। तो कोई भी अगर आपका चैनल खोलता है तो वहां पे आपका सबसे जो अच्छा अच्छा वीडियो है, जिसपे अच्छे व्यूज है, अच्छे एंगेजमेंट है, वो टॉप में आपको दिखाई देगा अगला जो व्यक्ति खोलेगा उसको। तो इससे होता है कि अगर आपका चैनल पे 10 वीडियो ही अच्छे हैं तो वो दिखता है, तो वो लोग सारे देखते हैं ताकि ये अच्छा चैनल है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका व्यूज देख करके उसको छोड़ देते हैं कि अरे ये 1, 2, 10 भी है, ये चैनल ही अच्छा नहीं है, इसको हटाओ। तो ये बेनिफिट है कि अगर आप 40-50 बनाए हैं उसमें से 10-15 अच्छा है तो वो आपके हाई लिस्ट में आ जाएंगे और वहां पे लोग देख सकता है। तीसरा जो अपडेट है वो बहुत ही अच्छा है। तीसरा अपडेट है प्ले लिस्ट एनालाइज। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है कि आप एनालाइज या तो टॉप वीडियोज को देख सकते हैं या 48 घंटा का देख सकते हैं या पर्सनल किसी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन अब जो है जैसे आप लिस्ट वाइज एनालाइज देख सकते हैं, यानी जैसे आप प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, जैसे कोई भी मेरा जो है वहां पे एक प्लेलिस्ट हो गया है कि सॉल्यूशन या फॉर्मेटिंग या एडोब प्रीमियर प्रो। तो एडोब प्रीमियर प्रो में जितना हमने वीडियोज बनाकर डाले हैं तो वहां पे सारे वीडियो का एनालाइज देख सकते हैं, सिर्फ एडोब प्रीमियर यानी जो प्लेलिस्ट में है उसका। तो आप भी अगर वीडियो बनाते हैं तो सीक्वेंस में बनाइए ताकि आप भी अच्छे अच्छे देख सकते हैं किस प्लेलिस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा व्यूज आ रहा है ये चीज। तो ये भी बहुत अच्छा है कि प्लेलिस्ट का एनालाइज आप देख सकते हैं, हर एक प्लेलिस्ट का अलग अलग। दूसरा जो है वो मेंबरशिप वनली। बहुत लोग, जैसे हमने भी अपना मेंबरशिप टैब ऑन कर रखा है, वहां पे भी आप जाकर के मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबरशिप फायदा क्या होता है कि हमने कोई वीडियो बनाया और उसको सिर्फ मेंबर को दिया है, तो यहाँ पे होता क्या है कि मेंबर्स के लिए लोग वीडियो उतना बनाना नहीं चाहता है। लोग मेंबर्स तो लोग बन जाते हैं बट बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि होता है कि हमने बहुत मेहनत करके मेंबर्स के लिए कोई अच्छा वीडियो बनाया, उसको हमने पोस्ट कर दिया, लेकिन अगर हमारे चैनल पे 1000 ही मेंबर्स है तो 1000 के ही पास जाएगा। लेकिन बाद में होता है क्या कि यार अच्छा वीडियो हमने बनाया है, लोगों के बीच नहीं गया है, तो फिर हम क्या करें,
फिर अपलोड करना, ये करना, ये चीज है। तो वहां पे अब मेंबरशिप ओनली में ऑप्शन आ जाएगा कि आप मेंबर्स के लिए पहले पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद नीचे शेड्यूल कर दीजिए कि आप 10 तारीख या 20 तारीख या जिस दिन आप प्ले कर रहे हैं उससे पब्लिक कर रहे हैं उसके 10 दिन बाद या 5 दिन बाद सारे पब्लिक को दिखाई देगा। तो पहले आपको मेंबर लोग देखेंगे, उसके बाद सारे पब्लिक को ऑटोमेटिक वो प्ले हो जाएगा, यानी पब्लिक हो जाएगा, सारे लोग देख सकते हैं। ये चार अपडेट है, ये चारों अपडेट काफी का काफी। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लिखकर। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।